दोस्तों, यदि आपके कोई पीडीएफ फाइल है और आप अपने इस पीडीएफ फाइल का डाटा एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम पीडीएफ के डाटा को एक्सेल में इंपोर्ट करा सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले हम इस फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पीडीएफ फाइल हमारी, आप देख लेना आपके कौन सी है। इसके अंदर डाटा है हम जो एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपने डॉक्यूमेंट। मेरा कौन सा है, एडअप एक्रोबेट डॉक्यूमेंट, तो एडअप का है तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडअप डॉक्यूमेंट को। अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हम अपनी फाइल को इम्पोर्ट कराएंगे इसके अंदर, ठीक है, पीडीएफ की। तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर आपकी फ़ाइल, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर था जो हम आपको बता रहे थे, स्कूल डाटा सीट वन, ठीक है। तो पहला तरीका हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ से ओपन करके अपनी सीट को इंपोर्ट करा सकते हैं एक्सेल सीट के अंदर। तो दोस्तों, पहला तरीका ये है, आप इस तरह से पीडीएफ फाइल को इंसर्ट करा सकते हैं एक्सेल सीट के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर डाटा आपका इम्पोर्ट तो हो गया पीडीएफ का एक्सेल के अंदर, लेकिन आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो चेंजेस करना है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं एक और तरीका बताऊँगा, ये आपकी इमेज फॉर्मेट में, मैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भी इंपोर्ट करना बताऊँगा, ठीक है। तो पहला तरीका आपने सीख ही लिया, चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको पीडीएफ फाइल पर जाना है और राइट बटन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ओपन विद फंक्शन, तो ये सभी में होता है। और यहाँ पर आपको एमएस वर्ड दिखाई देगा, अगर नहीं है तो चूज अनदर पे, या कह सकते हैं कोई भी ऑप्शन होगा आपके पास, चूज अनदर वाला, उस पर क्लिक करके एमएस वर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एमएस वर्ड पर क्लिक करते हैं, तो ये फाइल एमएस वर्ड के अंदर ओपन होगी पहले, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, एक्सेल शीट एमएस वर्ड के अंदर ओपन हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर इतना बचेगा तो शिफ्ट आपको डाउन एरो दबाना है, तो ये भी पूरा सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है राइट बटन क्लिक करके। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक्सेल शीट के अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पर हम सेकंड शीट ले लेंगे और कंट्रोल बी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसको सही कर लेंगे। तो देखिए, सारी एंट्री आ चुकी हैं, इसको और सही कर लेंगे। थोड़ा आपको ये करेक्शन करना होगा, है ना, क्योंकि डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको देखना होगा, ठीक। अब इसमें आप करेक्शन करना चाहे तो आप बेसिकली कब का यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपको एंट्रियाँ आपको करेक्शन करनी है, नेम चेंज करना है, वो आप कर सकती हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, हम यहाँ पर इस तरह से अपने पीडीएफ फाइल का डाटा इंपोर्ट करा सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है एक्सेल के अंदर, फॉर्मूला लगाना है तो लगा दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से आपको करना है, आपको पीडीएफ के अंदर चाहिए डाटा को, है ना। तो आपको यहाँ पर फाइल पर जाना है एंड यहाँ पर सीवीएस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एडिट कर देते हैं, एडिट याद के लिए, सेव सेव पे क्लिक कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ गई, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिट हो चुकी है ना। तो इसको आप करेक्शन देख लीजिए, फॉन्ट देख लीजिए एक बार, एडिट ठीक से कर लीजिए करेक्शन को, है ना। तो दो तरीके से हम पीडीएफ फाइल का डाटा एक्सेल में ला सकते हैं और यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।